देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। खबर भीमताल से है। भीमताल में वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता पुष्कर सिंह मेहरा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कर्नाटका के शिमोगा में एक वकील के द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के विरुद्ध में उपवास रखा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पीएम केयर फंड का हिसाब मांगा गया था कि किस तरह से प्रधानमंत्री द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन जवाब देने के बजाय उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। उन्हें कहा कि भाजपा इस समय अपना तानाशाह रवैया अपनाए हुए है, जबकि कल राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी, उस तिथि को एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिससे भाजपा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महामारी में भाजपा सरकार मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है, इसलिए 2 घंटे का उपवास के साथ काला मास्क की बात करके भाजपा की नीतियों का विरोध किया। आप देख रहे हैं भीमताल से गोपाल बरगली की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। हमारी सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पीएम केयर फंड का हिसाब मांगा था और वो उनका एक अधिकार भी बनता है, लेकिन कल कर्नाटक के शिमोगा में एक वकील के द्वारा उन पर एफआईआर की गई इस पर कि वो अफवाह फैला रही हैं। अफवाह फैलाने के उसमें एफआईआर की गई और वो जो एफआईआर है बिना केंद्र सरकार के निर्देश के नहीं हो सकती। उसी के सर वो केंद्र सरकार चाहती है कि आवाज़ बंद करना चाहती है लोगों की, उन पर जो उंगलियाँ उठी, तो हम कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार की तानाशाहीपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश में देखा, प्रियंका जी ने कांग्रेस ने वहाँ पर जो बसें भेजी उन बसों को खाली भेजा गया, भाई वो मरीज आते वहाँ से, लोग आते तो उसने जो भी प्रवासी थे उनको लाने के लिए बसें थी, अब या तो आप आदेश नहीं देते। तो इस प्रकार इस सरकार का जो तानाशाहीपूर्ण रवैया चल रहा है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी पर जो एफआईआर की गई है, तो उसके उस पर हम लोग, मैं आज यहाँ पर बैठा, लॉकडाउन है, लॉकडाउन पर हम जाते कहीं नहीं जा सकते थे, इसलिए अपने घर पर बैठ करके 2 घंटे का उपवास लिया और काली मास्क भी काला इसलिए लिया कि हम विरोध दर्ज कर रहे हैं। काला रंग है मास्क, इसलिए हमने किया और ये सरकार की पूर्ण तानाशाही। देखो उत्तराखंड